अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ेंगे। बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आप, तो इसलिए इसमें फार्मास्यूटिक्स आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, फार्मासिस्ट कौन होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है, और फार्मेसी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स क्या क्या हैं। इसके अलावा हम फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फार्मेसी क्या है और उसकी टाइप्स, फार्मेसी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। चलें अब हम सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, जो कि आपके पेज पे सबसे ऊपर लिखी हुई है। फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस टू प्रॉपर डोजेज फॉर्म। ओके, न्यू केमिकल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं डोजेज फॉर्म में, ये इसकी स्टडी जो है वो फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। न्यू मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस, जैसे कि कोई भी नई दवाई आई है जिसका मॉलिक्यूल, ड्रग आई है जिसका असर है, तो उसे हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि या तो उसे टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे, कैप्सूल में, या सिरप में कन्वर्ट करेंगे। सो किसी केमिकल सब्सटेंस को टैबलेट बनाना, सिरप बनाना, या उसके कैप्सूल बनाना, या कोई भी और डोजेज फॉर्म बनाना फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। दूसरी एक और डेफिनेशन है, फार्मास्यूटिक्स इज़ द डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग केमिकल सब्सटेंसेस इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफली एंड इफेक्टिवली बाय पेशेंट्स। ये भी सेम बात है, डिफरेंट अल्फाज में की गई है कि न्यू केमिकल सब्सटेंसेस को मेडिकेशन में बदल देते हैं, जो कि पेशेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इफेक्टिवली और सेफली। अब आगे वाला टॉपिक है कि फार्मासिस्ट कौन है। एनी पर्सन जिसके पास बी फार्मेसी अब नहीं होती, पहले होती थी। बी फार्मेसी 4 साल का कोर्स है, फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 साल का कोर्स है, अब 5 साल की ही हो रही है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसके पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है और वो डिग्री उसने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ली है, जो कि फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है प्रोविंशियल काउंसिल से, जैसे कि अगर पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी से की है या उसका डोमिसाइल पंजाब का है, तो उसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो रजिस्टर होगा रजिस्टर ए के अंदर। रजिस्टर ए और रजिस्टर बी जो हैं ये फिक्स्ड हैं हमारे लॉ के अंदर, हमारे लॉज हैं, ड्रग लॉज हैं, जो कि 1967 का भी है, 1972 का भी है, और 2012 का भी है। 1967 के लॉ सेक्शन 28 के अंडर रजिस्टर ए में फार्मासिस्ट जो है वो रजिस्टर होता है। फार्मेसी टेक्नीशियन जो है डिप्लोमा करती हैं, किस सेम चीज़ है कि कोई भी पर्सन जिसके पास डिप्लोमा हो इन फार्मेसी और वो जो डिप्लोमा उसने हासिल किए हैं वो किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी में ये नहीं होता, यूनिवर्सिटी को काट दीजिएगा, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी उसने प्रोविंशियल काउंसिल से लिया हो, और इसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो रजिस्टर बी का मिलेगा, कैटेगरी बी, इसीलिए इसे कैटेगरी बी कहते हैं। और ये सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो है वो रजिस्टर होते हैं। आगे टॉपिक है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। ये हेल्थ केयर वर्कर हैं, हेल्थ से रिलेटेड फील्ड में ये लोग काम करेंगे, फार्मेसी टेक्नीशियन काम करेंगे, और किसके अंडर काम करेंगे, किसकी सुपरविजन में करेंगे, फार्मासिस्ट की सुपरविजन में करेंगे। और कौन कौन सी लोकेशंस पे काम करेंगे ये लिखा हुआ है, कम्युनिटी फार्मेसी नंबर 1, रिटेल फार्मेसी नंबर 2, हॉस्पिटल फार्मेसी नंबर 3, नंबर 4 इंडस्ट्रियल फार्मेसी, मतलब फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और अदर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और एनजीओज होते हैं नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट भी हो सकती हैं और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। कम्युनिटी और रिटेल में ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं होता, ये बाहर जो फार्मेसी होती हैं इनको कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं या फिर रिटेल फार्मेसी कहते हैं। ओके, इसके अलावा इनकी ड्यूटीज़ हैं डिस्पेंसिंग करना। डिस्पेंसिंग होता है कि कोई नुस्खा आया आपके पास, प्रिस्क्रिप्शन आई है, पर्ची आई है, तो आपने उनकी दवाई जो है उनको डिस्पेंस करनी है, उसको बकायदा पैक करके उन्हें देना है, इसे डिस्पेंसिंग कहते हैं।
और फिर उन्हें इंस्ट्रक्ट करना, लाइक उन्हें हिदायत देना कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और उन्हें गाइड करना कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी कुछ निभाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के अंदर ये करते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस को रिव्यू करते हैं, रिक्वेस्ट जो आती हैं, प्रिस्क्रिप्शन रिक्वेस्ट जो आती हैं जिनको डिस्पेंस करना होता है, उनको रिव्यू करते हैं कि क्या सारी पूरी हो गई। इसके अलावा फिर वो देखते हैं कि जो पेमेंट है प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करने के बाद, डिस्पेंस करने के बाद जो पेमेंट है पेशेंट ने करनी, वो भी रिसीव हो गई। इसके अलावा वो पेशेंट्स के साथ फ़ोन पे रابطہ रखते हैं कि क्या वो अपनी मेडिकेशंस जो हैं वो टाइम पे ले रहे हैं, और अवेयरनेस के लिए भी, इसे कहते हैं पेशेंट फॉलोअप। अब हम देखेंगे कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डिवेलपमेंट एंड सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटरी अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स। आगे इस कॉल फार्मेसी काट देना है क्योंकि वो पीछे लिखा हुआ है कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी मेडिकल, पीछे हमने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा तो वो लिखा था कि ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी है। अब फार्मेसी क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं जो कि डील करती हैं ड्रग्स के साथ, ड्रग्स की डिस्कवरी से लेके, रिसर्च से लेके उसके मार्केटिंग तक जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे फार्मेसी कवर करती हैं। प्रोसेस कितने हैं? डिस्कवरी नंबर वन, डेवलपमेंट नंबर टू, सिंथेसिस, और डेवलपमेंट में फ़र्क नहीं है, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस कर लो और फिर कॉमा कर लो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बड़े स्केल पे उसकी प्रोडक्शन करना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि वो काम कैसे करती हैं, उसका लिटरेचर। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के बगैर कोई भी फार्मेसी का फंक्शन जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव काम है। इन्होंने चेक करना होता है कि क्या प्रॉपरली काम हो रहा है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स जो हमें दिए हुए हैं, SOPs, उनके मुताबिक काम हो रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मेसीज़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन वाले आते हैं सप्लाई करने के लिए मेडिसिन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जो है वो फार्मेसी वाले ही देखते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स, जैसे कि फार्मेसी जब बनाते हैं तो, या मेडिकल स्टोर बनाते हैं तो उसके इंस्पेक्शन करवाते हैं और लाइसेंस लेते हैं, ये रेगुलेटरी अफेयर्स में आता है। इसके अलावा मतलब लॉज से रिलेटेड जो जितने भी काम हैं वो रेगुलेटरी अफेयर्स में आते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट रजिस्टर करवानी है तो भी रेगुलेटरी अफेयर्स के लोग ही काम आएंगे। ओके, फार्मेसी इज़ अ हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब हेल्थ साइंसेज मतलब बीमारियों को टेस्टिंग वगैरह, ये सारा डायग्नोज करना और टेस्टिंग करना, ये सारा काम है हेल्थ साइंसेज का। और केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि दवाइयाँ बनाना, इन दोनों को लिंक करना जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट का काम है। एंड एम्स टू इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ओके, अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी की 11 टाइप्स हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं ड्रग्स, फॉरेंसिक फार्मेसी, ये पंजाब के अंदर है, पंजाब फॉरेंसिक लैब, अब पेशावर में भी बन गई है शायद, तो इसमें पोस्टमार्टम वगैरह और CID वगैरह का जो काम होता है ना वो फॉरेंसिक फार्मेसी में किया जाता है। कंपाउंडिंग फार्मेसी के एक या दो मेडिसिन को मिला के कंपाउंड बनाया जाता है, ये रिटेल फार्मेसीज पे ही होता है और हॉस्पिटल फार्मेसीज पे भी होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए, लेमिनार फ्लूइड वगैरह। मिलिट्री फार्मेसी वार्स के दौरान, मतलब जंग के दौरान, वहाँ पर डॉक्टर्स भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है और फार्मेसी भी होती है, ताकि जो सोल्जर्स हैं जो जंग कर रहे हैं उन्हें ऑल द टाइम मेडिसिंस मिल रही हों। वेटरनरी फार्मेसी, वेट्स फार्मेसी ये होती हैं जानवरों की दवाइयों के लिए। ऑनलाइन फार्मेसी का ट्रेंड अब आ गया है कि लोगों ने ऑनलाइन स्टोर्स खोल रही हैं और मेडिसिंस डिलीवर कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, इन्होंने देखना होता है कि प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी
मतलब डिमांड कितनी है और इंश्योर करना होता है कि उन्हें सप्लाई हो रही है। और इसके अलावा इन्होंने अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना होता है कि लोगों को अवेयर करना है कि ये हमारे प्रोडक्ट है और इसे ख़रीदो। न्यूक्लियर फार्मेसी ये कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है और कुछ टेस्टिंग में काम आती है न्यूक्लियर फार्मेसी। ये अनमोल हॉस्पिटल में न्यूक्लियर फार्मेसी का डिपार्टमेंट है और क्योंकि अनमोल हॉस्पिटल जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए काम करता है। और इसके अलावा ये टेस्टिंग में काम आती हैं जहाँ पे हमें एंडोस्कोपी जैसे कैमरा डाल के अंदर स्टमक में लेके जाते हैं, तो अंदर हम एक न्यूक्लियर केमिकल भी डालते हैं ताकि उससे रोशनी हो, फ्लोरेसेंस हो, तो वो न्यूक्लियर फार्मेसी कहते हैं इसे। सो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था, तो होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी एडमिन को या किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।